नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको शमशान काली की साधना बताने वाला हूँ, जो अपने आप में ही एक महाप्रचंड साधना है। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ, जिन लोगों को आभास लेना है कि हमें छोटी साधना मिले और हमें आभास मिले शक्ति का, तो आज मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ 3 दिन की साधना है, खर्चा आपका कुछ भी नहीं लगेगा, 50 से 100 रुपये का इसमें सामग्री आपकी लगेगी, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है इसमें। छोटा सा मंत्र है, जिन लोगों में दम है, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, जिन लोगों में दम है, जिन लोगों को जागरूकता है कि हमें शक्ति चाहिए, हमें शक्ति को देखना है, हमें शक्ति का आभास चाहिए, तो करके देखिए, फिर मुझे जवाब दीजिएगा कि आभास हुआ कि नहीं हुआ। वही लोग करना जिनको डर नहीं लगता हो। और ये साधना जो है गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार ही करें, बिना मार्गदर्शन के करोगे तो सर्वनाश होगा तुम लोगों का। मैंने खुद ये साधना का अनुभव किया हुआ है, इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये साधना केवल सिर्फ 3 दिन की है और इसमें आपको रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है। रुद्राक्ष की माला 5 मुखी होनी चाहिए, 108 मनकों वाली माला होनी चाहिए, जो कि संस्कारित होनी चाहिए। बिना संस्कारित माला का प्रयोग नहीं होगा, संस्कारित माला का प्रयोग होगा, ठीक है। कम से कम 11 माला का जप करना आवश्यक है, यानी एक दिन में कम से कम आपको 11 माला जप तो करना ही है। जो मंत्र है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा मंत्र है। जब आपके 3रा दिन साधना समाप्ति के बाद, यानी जब आपका 3रा दिन हो जाए, समाप्ति के बाद हवन में काले तिल से 374 बार, यानी 374 बार मंत्र में स्वाहा लगाकर आहुति दीजिए, ठीक है। स्वाहा आपको किस प्रकार लगाना है, स्क्रीन पर आपको मंत्र नज़र आ रहा होगा, इस प्रकार आपको पूरा मंत्र बोलना है। आहुति के बाद नींबू का बलि देना है और नींबू का थोड़ा सा रस हवन कुंड में भी निचोड़ना है। समय रात्रि में 10 बजे के बाद, दिशा दक्षिण, आसन आपका होगा लाल या काले रंग का, दोनों में से कोई भी आप आसन ले सकते हो। भोग में तिल और गुड़ के लड्डू, जो मार्केट में आसानी से मिलते हैं, लेकिन आपको मार्केट वाले बिल्कुल उपयोग नहीं करने हैं। कोशिश करिएगा कि आप घर पर लड्डू बनाने का, कि यानी जो भी लड्डू बनाएंगे आप घर पर ही बनाना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महाकाली जी के चित्र पर रोज़ लाल रंग का पुष्प चढ़ाना है। यह साधना विधिपूर्ण प्रमाणिक है और शीघ्र फलदायी भी है। इस साधना का असर साधक को 1 वर्ष तक प्राप्त होता रहता है। ये साधना का प्रयोग आप किसी भी क्रिया में कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा करने के लिए कर सकते हैं, दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और बड़े से बड़े जिस घर में दिक्कत है, घर का बंधन के लिए कर सकते हैं, जिस घर में भूत परेशान, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, चुड़ैल है घर में, जिन है, मसान है, तो इस तरह की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का बहुत चुटकियों में आप समाधान कर सकते हैं इस साधना के जरिए। लेकिन गुरु का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन के अनुसार ही ये करें। मेरे गुरु ने मुझे जिस तरीके से बताया था, मैंने इस शक्ति का खुद आभास किया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि गुरु के निर्देश अनुसार ही करें। अगर आपके गुरु नहीं चाहते कि आप ना करें ये चीज़, तो आपको कता भी करने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि बड़े बड़े इस साधना को करने में असफल हुए हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि पागल हो गए हैं दिमाग से। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि साधना को करने से पहले गुरु का आशीर्वाद और गुरु से ज़रूर पूछ लें एक बार, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अघोर साधना को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर।